भारत में स्थित बिहार राज्य का एक जिला जो कि मिथिला का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर बिहार की राजधानी पटना से करीब 110 किलोमीटर दूर है। समस्तीपुर भारत गणराज्य के बिहार प्रांत में दरभंगा प्रमंडल में स्थित एक शहर है। इसका मुख्यालय समस्तीपुर ही है। समस्तीपुर के उत्तर में दरभंगा, दक्षिण में गंगा नदी और पटना जिला, पश्चिम में मुजफ्फरपुर और वैशाली तथा पूर्व में बेगूसराय, खगड़िया जिले हैं। यहाँ शिक्षा का माध्यम हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू है, लेकिन बोलचाल में मगही और मैथिली ही ली जाती है। समस्तीपुर पूर्व मध्य रेलवे मंडल में आता है और तो और यहाँ पर कृषि विद्यालय पूसा भी स्थित। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी बीचों बीच शहर में है। समस्तीपुर में बागमती नदी और गंगा नदी भी बहती है। अगर जिले के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2904 किलोमीटर स्क्वायर, जनसंख्या 42,54,782 जो कि 2011 के हिसाब से है, साक्षरता 63.81% और लिंगानुपात 909 है। तो चलिए कुछ जगह घूम भी लेते हैं। मणिपुर मंदिर समस्तीपुर का एक धार्मिक स्थल है। माँ दुर्गा जी को समर्पित है। ये 2 मंजिला है और निचले मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन मिलते हैं, वो बहुत सुंदर लगती हैं। माँ दुर्गा जी वस्त्र और गहनों से सजी हुई रहती हैं। यहाँ पर राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, कृष्ण जी, राधा जी, हनुमान जी, विश्वकर्मा जी, गणेश जी, शिव भगवान के शिवलिंग के दर्शन आपको मिल जाएंगे। अगला जो स्थान है, इसे विद्यापति धाम मंदिर समस्तीपुर के नाम से जाना जाता है। विद्यापति धाम मंदिर समस्तीपुर जिले का एक धार्मिक स्थल है। ये मंदिर समस्तीपुर में दल सिंह सराय ब्लॉक में स्थित है। इस मंदिर में आपको बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको शंकर जी के शिवलिंग के दर्शन करने को मिलते हैं। ये जगह बहुत सुंदर है। यहाँ पर आपको हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। अगला जो स्थान, इसे काली मंदिर समस्तीपुर के नाम से जाना जाता है। काली मंदिर समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। ये मंदिर काली माता को समर्पित है। इसे काली पीठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको मोक्षधाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर अंतिम संस्कार की क्रिया को भी किया जाता है। यहाँ पर आपको शिव शंकर की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिलेगी। अगला जो स्थान है, इसे खुदनेश्वर महादेव मंदिर समस्तीपुर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर बहुत धार्मिक स्थल है। ये मंदिर मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ पर आपको मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन मिलेंगे। गर्भगृह में आपको एक मुस्लिम कब्र भी देखने को मिलती है। ये कब्र खुदनी बीवी की मजार है। यहाँ पर महाशिवरात्रि और सावन के समय बहुत सारे भक्त घूमने आते हैं। यहाँ पर आकर मन को शांति मिलती है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही ये बताना मत भूलिए कि आप देश के किस प्रदेश, किस डिस्ट्रिक्ट या किस शहर में निवास करते हैं।